नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देसी तरीके से और देसी भजनों के लिए आपको आलाप किस तरीके से लेना है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्केल से, बिल्कुल दो बटन पर आपको बताऊँगा कि आलाप कैसे लेना है, है ना। बिल्कुल देसी अंदाज में और देसी तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ये तीसरी काली को सा माना यहाँ से, सा और ये पा को मैंने पकड़ा, देखो स्केल मेरा सा रे मा पा धा सा ये वाला। आप लोग ये धुन सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल देसी अंदाज महसूस हो रहा होगा। देखो अब दोस्तों आलाप लेना, जैसे सा को हम लोगों ने बजाया, देखो नी सा लगा रहा हूं, नी सा देख, नी से आवाज सा पे आ रही, देखना। ये इसका पहला स्टेप है। आप चाहे किसी भी बटन को सा मान रहे हो, जैसे मैं देखो चौथे काले को सा मान रहा हूं, साढ़े चार को देखो, फिर इसको धीरे धीरे टच करना, देखो फिर सापे आवाज को एक जगह रोकना है, देखना। पांचवी काली लेता हूं, सुर को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखो बिल्कुल देसी अंदाज में मैंने आप लोगों को बताया, शॉर्ट तरीका यही है। पहले आप इस तरीके से आलाप लोगे ना, सुनने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा, देखना। जैसे आपने जे बोल दी, उसके बाद में छोटा सा आलाप, देखो आवाज नीचे गई वापिस ऊपर आई, देखना। सा
काको बजाया, नी पे गए वापिस साप आना। ये दोस्तों ये जो सुर है ना नी पास वाला, ये मिठास देख रहे ना। जिसको हम लोग कण सुर कहते हैं ना, ये बड़ा ही मिठास देख रहे ना। और यहीं से एक तरीका देखो ये दोस्तों, आप लोग ध्यान देना इधर, मैं कोमल नी पे गया हूं, यहां से देखना पा कोमल सा रे पे गई आवाज, कोमल नी पे गई और पा पे गई, ये देखना इस तरीके से वापस ऊपर जाना है तो सारे मापा दसा वाला इसके लिए ऊपर की साइड में आवाज आएगी, देखना। बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग इस चीज को सीख जाएंगे तो। दोस्तों इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे अलाप लेने का प्रैक्टिस करेंगे तो अब हम लोगों को सुर समझ में आएगा। गाने का पहले प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, आपको सुर को समझना है, जो आवाज़ है उसमें अपना गले को घुमाना, देखना। ये देखो आवाज़ है ना, आवाज़ को मतलब सुर में मिलाना, देखो। गले में आवाज बननी चाहिए, देखो हाँ। फिर उस गाने का जो भजन है उसका आलाप है ना, वो गुनगुनाओ साथ में। इस तरीके से हम लोग सुर के साथ में गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।